साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास टेंथ से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम यानी कि जो है ना प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, जो कि प्यार बच्चों 23 अगस्त के दिन आपका हिंदी का पेपर होगा क्लास टेंथ के लिए। तो हम बिल्कुल हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यार बच्चों, और आप लोगों को जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बता देंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिख के जाओगे। विषय कोड 101 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, कहां से करना है, ये सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा, बस आप बने रहिए। देखिए 1 से 30 तक प्रश्न है आपको, किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। पहला प्रश्न है, पुराने कामों सब जो है ना समय वांछनीय नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो याद रखना है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में ही संगीत के आंतरिक ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना पहले इस नंबर को सेव कर लेना अपने फ़ोन में, 9835516710 को, इस नंबर को मिठुन सर के नाम से सेव कर लेना, और आप लोग इसी नंबर पर हाय सर क्लास टेंट लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। क्योंकि इसके बाद संस्कृत का पेपर आएगा, इसके बाद क्लास 9th का पेपर आएगा, 11th 12th सब का आएगा। तो आप चैनल को पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जो ना चिटकार ने सोनो का जो ना अमार देह जो ना सया नागर गूंज गया? तो नोट करिएगा, 3 का ऑप्शन नहीं होगा, पत्रकार के घर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम विभाजन को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर बोला, विश्व के दांत नामक पाठ कौन सा जो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो नोट कर लेना है, 5 का ऑप्शन होगा खोखा यानी कि कासू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर की ओर। बोला, फ्रेडरिक मैक्स मुरल का निधन कब हुआ था? तो नोट करना है, 6 नंबर का ऑप्शन होगा 28 अक्टूबर 1900 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये बोला हम जो ना अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा से संबंधित है? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपन्यास से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोला आप लोगों से, स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो नोट कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 नंबर का प्रेम जो ना प्रेमघन सर्वस्व का। 9 नंबर है कि कवि घनानंद ने के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होना चाहिए? तो नोट कर लेना है, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहां पर ए नंबर करेक्ट होगा, सीधा और सरल होना चाहिए। आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम के बिना किसका जीवन व्यर्थ है? किसका मानना है ये? तो नोट कर लेना है, घनानंद का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 10 का करेक्ट हो जाएगा, 10 का डी होगा, सॉरी गुरु नानक जी का होगा प्यार बच्चों, डी नंबर नोट करना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला, किस ग्रंथ में पता चलेगा कि गोस्वामी विट्ठल नाथ रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे? तो नोट करेंगे, 11 का ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा, प्रेम वाटिका 100 जान के 100 जान आस्था जो है ना ये हो जाएगा अष्टायाम से, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस कविता में नवजागरण का स्वर खड़ित है? तो ये नोट करेंगे, नवजागरण का अति सुरोष ने यह जगह करील का कुंजन ऊपर मारो, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कटर शहर को बाढ़ से जो ना बचाने के लिए किस पत्थर का बांध बनवाया गया था? तो ये नोट करना है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच ने बनवाया था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 13 हो गया, अब होगा 14 नंबर क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको जो है ना PDF में डाउनलोड करने के लिए आंसर सिखा देता हूँ, फिर आंसर इसका मैं बता दूंगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग जो है ना फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास टेंथ का यहाँ पर सेशन मिलेगा, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे आओगे
तो आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन वहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 10th का सेशन है, इसमें आपको जो है ना इंग्लिश हिंदी संस्कृत साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट का है। फिलहाल हम लोग हिंदी का डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वहाँ पर क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो है एक सेकेंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, फिर नीचे आना है सब्जेक्टिव का आंसर भी यहाँ डाल देता हूँ, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लो प्यारे बच्चों।